हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर शहर के रेलवे स्टेशन के पास बुधवार को कोतावली थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए दो युवकों को गांजे की पुड़ियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 30 ग्राम गांजा बरामद कर लिया और पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने ले पहुंची, जहां दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गांजे की खरीद फरोख्त के संबंध में पूछताछ शुरू की। नवनियुक्त शहर कोतवाल उगमराज सोनी ने बताया कि पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि दो युवक रेलवे स्टेशन के पास भ्रमण कर रहे हैं, जिनके पास गांजे की पुड़ियां भी है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आचार्यों का वास निवासी मोहम्मद सफी पुत्र फतेह अली और रायपुर झुंझुनू निवासी प्रदीप पुत्र अमीलाल मेघावल को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के कब्जे से 15-15 ग्राम की दो गांजे की पुड़ियां बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में दोनों आरोपियों ने किसी बाबा से गांजा खरीदना स्वीकार किया है, लेकिन पुलिस गांजे की सप्लाई और दोनों से बरामद की गई गांजे की पुड़ियों को लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बाड़मेर थाना कोतावली के नवनियुक्त शहर कोतवाल उगमराज सोनी, इनका कहना है कि क्या पूरा मामला था, कहां से ये गिरफ्तार किए गए, मामला क्या था? सुबह सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन के सामने दो युवक खड़े हैं और उनके साथ कोई गांजा वांजा की पुड़ियाँ वगैरह है, ऐसा कोई इतला मिले तो फिर हम गए मौके पर। सफ़ी मोहम्मद करके है आचार्य का पास का रहने वाला, उसके पास चार पांच पुड़ियाँ थी। उसको पूछा तो उसने पहले को टाउन को गया, फिर कहा गांजा है। उसके पास खड़ा था प्रदीप, वो झुंझुनू का रहने वाला है। उसको उसने 15 ग्राम की दो पुड़ियाँ दी, 200 रुपये। सर ये आगे बेचते थे, क्या करते थे? ये सफ़ी से पूछताछ कर रहे हैं। उसने कहा रेलवे स्टेशन को बाबे से लिए, लेकिन और पूछताछ करके क्लियर करें, मुकदमा दर्ज कर लिया। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा राम मेघावल की रिपोर्ट।